शाही पनीर, आलू गोभी, मटर की सब्जी, वेज नवरत्न पुलाव, तड़का दाल, दही भल्ले, हरा भरा कबाब, पूड़ी और मीठे में सेवइयों की खीर। करवा चौथ के पूरे दिन के उपवास के बाद थाली में इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए भाई, तभी तो उपवास करने का मन भी करता है। तो आइए इन सारी चीजों की रेसिपी चेक करते हैं सिर्फ 12 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीठे से, यानी कि सेवैया से। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 चम्मच जितना घी ले लिया और सारे ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर रोस्ट कर लिए, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, और जैसे ही हल्के हल्के से रोस्ट हो गए, इसके अंदर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी किशमिश भी, तो इसे भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया। जैसे ही ये फूलने लगी इसे निकाल लिया था। उसी के साथ फिर से 1 चम्मच जितना घी ले लिया और साथ में सेवैया ले ली। यहाँ पर मैंने सेवैया हल्की हल्की सी रोस्टेड ही ली थी, तो यहाँ पर इसे ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं थी। इसी के साथ दूसरी तरफ मैंने दूध को बॉईल करने के लिए भी रख लिया था और दूध बॉईल भी हो गया था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर, चिरौंजी और रोज वाटर डाल दिया था। रोज वाटर से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है और खुशबू और भी ज्यादा अच्छी आती है, तो सेवइयों का मजा ही दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर दूध बॉईल होने लगा था, उसी टाइम पर मैंने इसके अंदर डाल दी वो सेवइया और सेवइयों को हल्का हल्का सा मिक्स करती रही। अगर सेवइया आप छोड़ देते हैं ना ऐसे ही, तो होता क्या है कि इसके लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, सेवइयों के गठाने बन जाती है, तो इसे मिक्स करते रहना बहुत ही जरूरी है। सेवैया लगभग उबल गई थी, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो केसर को भिगो के रखा था वो, और उसी के साथ वो ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने पहले रोस्ट किया था, उसी के साथ 1/4 कप जितनी शुगर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसी के साथ जो हमारी सेवैया थी वो भी बहुत ही अच्छे से पक गई थी। उसी के साथ सेवैया को 2-3 मिनट और बॉईल कर लिया, जिसके बाद हमारी सेवैया बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। उसी के साथ हमारी पहली डिश भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब बारी आ जाती है आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, उसी के साथ फूल गोभी के कुछ इस तरह से फूल बाहर निकाल लिए थे। तो सबसे पहले आलू और फूल गोभी दोनों को हम ना एक बार हल्का सा बॉईल कर लेंगे। बॉईल कितना करेंगे कि हमारी 50% सब्जी पक जाए। उसी के साथ आलू फूल गोभी को बॉईल होते वक्त हल्का सा नमक भी डाल दिया था ताकि उसमें टेस्ट बना रहे। तो आलू फूल गोभी अच्छे से बॉईल हो गई है जितनी हमें चाहिए थी। तो आइए जल्दी से इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया और 1 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया है, छोटा सा तेज पत्ते का टुकड़ा और उसी के साथ छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही में 1 बड़े चम्मच जितना यहाँ पर मैंने बारीक अदरक कट करी हुई डाली है। सारी चीजों को अच्छे से सौते करने के बाद डाल दी इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने ज्यादा तीखी वाली नहीं ली है। उसी के साथ एक बड़ा टमाटर ले लिया था, उसे बारीक कट कर लिया, उसे भी डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से सौते कर लिया और साथ में डाल दिया हल्के से मसाले, जिसमें 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितना गरम मसाला और 1/2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ नमक और डाल दिया था। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मसालों को भी पका लिया था। उसी के बाद बारी आ जाती थी मटर को डालने की। तो यहाँ पर मैंने फ्रोजन वाले मटर लिए हुए थे जिसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं थी। उसी के साथ डाल दिया 1/2 कप जितना पानी और इन सारी चीजों को अच्छे से सौते कर लिया। उसके बाद लास्ट में डाल दिए वो बॉईल किए हुए फूलगोभी और आलू, साथ में थोड़ा सा नमक और डाल दिया और इसे ढककर करीब 2-3 मिनट के लिए और पका लिया। इस तरह से हमने सब्जी को पका रखा था तो इसे ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लगभग सारा पानी उड़ गया था और हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई थी। उसी के साथ सब्जी जब हल्की से ठंडी हो गई ना, तो उसके अंदर 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। और साथ ही में हमारी दूसरी डिश भी तैयार हो गई है। तो अब बारी आ जाती है वेज नवरत्न पुलाव बनाने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच जितना घी ले लिया था। ये पुलाव ना हम घी में ही तैयार करेंगे और सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स है उसे रोस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने बादाम ले ली है और काजू ले लिए हैं। बादाम और काजू दोनों के मैंने बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं। यहाँ पर बादाम और काजू जैसे ही रोस्ट हो जाए उसके अंदर मैंने डाल दिया है किशमिश। किशमिश को हल्का हल्का सा फूल जाने के बाद इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया था। उसी पैन के अंदर मैंने करीब 1 चम्मच जितना घी फिर से डाल लिया और उसके अंदर करीब 1 कप जितना बारीक कटा हुआ पनीर था उसे डाल दिया। पनीर के यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हुए थे, तो जब पुलाव में इसे डाला जाएगा तो पुलाव का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पनीर जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया था, जिसमें हल्की सी ब्राउन सी लेयर भी आ गई थी। तो सारी चीजें इस तरह से रोस्ट करने के बाद अब बारी आ जाती थी पुलाव का तड़का तैयार करने की। तो फिर से 1 चम्मच जितना घी ले लिया, हल्का सा जीरा, उसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले जिसमें इलायची, तेज पत्ता और
थोड़ी सी दालचीनी ली थी और एक स्लिट की हुई हरी मिर्ची ली थी। हरी मिर्ची के सिर्फ दो टुकड़े कर दिए थे। उसी के साथ कुछ सब्जियां ले ली थी जिसमें मैंने थोड़ी सी फूलगोभी, थोड़े से बारीक कटे हुए गाजर, मटर, इन सारी चीजों को हल्का हल्का सा बॉईल कर लिया था और साथ में घी के अंदर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया। घी में रोस्ट करने से इनकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। उसी के साथ डाल दिए पनीर और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। इन सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया और आप मानोगे नहीं, अभी घर के अंदर इतनी बढ़िया वाली खुशबू आ रही है। बस फिर क्या, लास्ट में डाल दिए बॉयल किए हुए राइस। तो राइस को बॉयल करते वक्त मैंने उसके अंदर हल्का सा दालचीनी का टुकड़ा और साथ में दो तेज पत्ते भी डाल दिए थे। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद लगभग हमारा पुलाव तैयार था। इसे ढककर बिल्कुल भी ना पकाए वरना जो चावल के दाने है ना वो टूट जाते हैं। उसी के साथ डाल दिए वो जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट थे वो और फिर से मिक्स कर लिया। तो ये लीजिए, हमारा वेज नवरत्न पुलाव भी तैयार है और साथ में हमारी तीसरे नंबर की डिश भी। तो अब बारी आ जाती है तड़का दाल तैयार करने की। तड़का दाल तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर अरहर की दाल ले रही हूँ और अरहर की दाल को मैंने करीब एक घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसे हम सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। इसकी वजह से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल बॉईल हो गई है। अब आइए इसका तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए करीब एक चम्मच जितना ऑयल डाल दिया, उसी के साथ जीरा, हींग और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी डाल दी थी। अदरक को अच्छे से सौते करने के बाद इसके अंदर डाल दी मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। जैसे ही हरी मिर्ची सौते हो गई उसके अंदर डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर मैंने एक छोटा सा ही लिया हुआ था, उससे भी अच्छे से सौते कर लिया और साथ में डाल दिया हमारे बेसिक वाले मसाले जिसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से सौते कर दिया। तड़का दाल के अंदर ना मेन टेस्ट हो जाता है हींग का। उसके बाद डाल दी मैंने इसके अंदर वो बॉईल की हुई दाल। उसके बाद उसे कर लिया थोड़ी देर के लिए बॉईल। इस तरह से कढ़ाई में खुला बॉईल करने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास वक्त हो ना तो इस दाल को आप ऐसे ही कढ़ाई में बॉईल कीजिएगा और फिर इसका टेस्ट देखिएगा, मजा ही दुगना हो जाता है। दाल को ठंडा होने के बाद हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया। इसी के साथ हमारी तड़का दाल भी तैयार हो गई थी। तो अब बारी आ जाती है शाही पनीर तैयार करने की। यहाँ पर हम ये जो थाली तैयार कर रहे हैं ना, बिना प्याज और बिना लहसुन की तैयार कर रहे हैं। तो शाही पनीर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच जितना ऑयल ले लिया था और उसके अंदर कुछ सूखे मसाले, तेज पत्ता, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। उसी के साथ डाल दिया अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्ची बारीक कटी। साथ ही में डाल दिए रफली चॉप किए हुए टमाटर और 1/4 कप जितने काजू। इन सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया और टमाटर लगभग आधे कुक हो गए थे। इसके बाद इसके अंदर डाल दिया आधा कप जितना पानी और इसे और भी कुक कर लिया जिससे हमारी ग्रेवी जो है और भी ज्यादा क्रीमी सी हो जाए। सारी चीजों को अच्छे से पकाने के बाद ठंडा कर लिया और मिक्सी से पीसकर इसकी पेस्ट तैयार कर ली। पेस्ट तैयार करने के बाद इसे इस तरह से छन्नी से छान लिया जिससे हमारा शाही पनीर बिल्कुल क्रीमी सा रहे और ना ही उसके अंदर कोई धागे से आ जाए। उसी के साथ शाही पनीर का एक नया तड़का भी तैयार कर लिया जिसमें एक छोटे चम्मच जितना ऑयल और एक बड़े चम्मच जितना बटर डाल दिया। उसी के साथ कसूरी मेथी, हल्का सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जो हमने पेस्ट तैयार की थी ना वो, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का हल्का सा पका लिया। पकने के बाद आप देखिए बटर कैसे अलग सा हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी सी थी तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप जितना दूध डाल दिया जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार हो जाए। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में पनीर को कट कर रखा था उसे भी डाल दिया और 1/4 चम्मच जितना यहाँ पर मैंने शुगर डाल दी जिससे शाही पनीर का टेस्ट बिल्कुल मेंटेन रहे मार्केट वाला। उसी के साथ उसमें क्रीमी फ्लेवर देने के लिए 1/4 कप जितना क्रीम भी डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा शाही पनीर लगभग तैयार हो गया था, पर अभी तक नमक नहीं डाला था। तो अब हमारी सब्जी पूरी की पूरी पक गई थी तो हमारी सब्जी कड़ल होने का या फटने का कोई डर नहीं था, तो इस टाइम पर मैंने नमक भी डाल दिया था। तो लीजिए शाही पनीर भी बनकर तैयार हो गया है और उसी के साथ हमारी एक डिश भी बन गई है। तो आइए उसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। अब बारी आ जाती थी हरा भरा कबाब बनाने की। तो ये हरा भरा कबाब तैयार करने के लिए इसमें सारी चीजें लगभग हरी ही लेनी होती है ताकि उसका रंग जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए मटर और ब्लांच किया हुआ पालक ले लिया था। उसी के साथ जो रोस्टेड चना दाल आती है ना उसको पीस के उसका पाउडर तैयार कर लिया था। साथ ही में डाल दिया था 1/4 कप जितना पनीर और साथ में डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, दो हरी मिर्ची और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीजों को पीस कर उसका एक मसाला तैयार कर लिया। बस उसके बाद इन मसालों से हमें छोटे छोटे कबाब तैयार करने थे। तो यहाँ पर मेरे लगभग सारे कबाब बनकर तैयार हो गए थे। उसी के साथ इन कबाब को और सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर जो काजू के टुकड़े होते हैं वो मैंने
लगा दिए थे। तो काजू के टुकड़े जब आप लगाए ना, तो ध्यान रखिएगा उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा, वरना ऊपर की तरफ फूटे होने की वजह से होता क्या है कि काजू तो सिक जाते हैं और काले हो जाते हैं, पर कबाब जो है वो प्रॉपरली सिकते भी नहीं है और ना ही क्रिस्पी लेयर होती है। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर लिया था और उसी के साथ मेरे जो कबाब है लगभग सिक कर तैयार हो गए थे। तो ये लीजिए, हमारे काजू भी सिके हैं और हमारे कबाब जो है वो भी दूसरी तरफ से बहुत ही अच्छे से सिके हैं। एक दो बार आगे पीछे करने के बाद हमारे जो कबाब है लगभग बनकर तैयार हो गए थे। तो हरा भरा कबाब बनकर रेडी है, आइए जल्दी से उसे सर्व कर लेते हैं। उसी के साथ हमारी ये जो डिश है वो भी कम्प्लीट हो गई है। लास्ट में इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला जरूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो अब बारी आ जाती थी दही वड़े तैयार करने की। दही वड़े तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप उड़द की दाल और आधा कप मूंग की दाल ले ली थी। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और भिगो लिया था। भिगोने के बाद ये दोनों दालें आधे कप से एक एक कप जितनी हो गई थी। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से मिक्सी में डालकर पीस लिया। पीसते वक्त मैंने करीब एक चम्मच दो चम्मच जितना ही पानी इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से इस तरह से पेस्ट तैयार कर ली थी। उसी के साथ इसे बाउल में निकाल लिया और बाउल में निकालने के बाद हाथ से इसे अच्छे से फेंट लिया। हाथ से हमें तब तक इसे फेंटना है कि फेंटते फेंटते इसका कलर जो है वो हल्का सा लाइट हो जाए। उसी के साथ जब हम इसे बाउल के अंदर डालें तो ये जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होना शुरू हो जाए। तो ये देख लीजिए, हो रहा है ना फ्लोट, बस इसी तरह से ऑयल में भी फ्लोट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार है, इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसी के साथ हमारा ऑयल जो है उसे हल्का सा गर्म भी कर लेते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और दही वड़े जो है ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह से ऐसे ही ऊपर आने शुरू हो गए हैं, जैसे पानी में हमने डाले थे और ऊपर फ्लोट कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर हमारे दही वड़े बनकर तैयार है, इसे हल्के से गुनगुने पानी के अंदर डाल देते हैं। तो हल्के से गुनगुने पानी में डालने के बाद देखिए किस तरह से ये डबल साइज के हो गए हैं। इसे इस तरह से निचोड़ कर मैंने कटोरी के अंदर डाल लिए है और उसी के साथ उसके ऊपर डाल दिया है दही। दही के अंदर मैंने हल्की सी चीनी डाल दी थी जिससे इसका स्वाद बिल्कुल ही बाजार जैसा है। उसी के साथ सिके हुए जीरे का पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी। तो दही वड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो आइए लास्ट डिश यानी कि पूड़िया वो बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमारी थाली लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो पूड़िया तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा और 1/4 कप जितना यहाँ पर मैंने ये सूजी ले ली है। उसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा नमक और मोइन के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, वो करीब बड़े चम्मच जितना लिया हुआ था। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और हाथ में पकड़ने के बाद कुछ इस तरह से इसकी मुट्ठी सी बन जाए वैसा मैंने इसको तैयार कर लिया। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। आइए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटे को गूंथ लेते हैं। आटा गूंथते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आटे में ज्यादा पानी नहीं डालना है, हमें आटे को ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो आटा यहाँ पर लगा दिया है मैंने और ज्यादा टाइट या ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाया है, पूड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आटा जो है वो आधा घंटा रेस्ट के बाद यहाँ पर पूड़िया बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। आइए जल्दी से इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेते हैं और पूड़िया बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस साइज के बॉल तैयार कर रही हूँ और पूड़ियों की साइज है वो ज्यादा बड़ी नहीं रख रही हूँ, ना ही जरूरत से ज्यादा छोटी रख रही हूँ। तो पूड़िया बेल कर तैयार कर ली है। हाँ, पूड़ियों को मैंने ज्यादा मोटा नहीं बेला है, थोड़ी सी पतली ही रखी हुई है। तो ये देख लीजिए, हमारी पूड़िया लगभग बेलकर तैयार हो गई है, आइए जल्दी से इसे तल लेते हैं। तो पूड़िया तलने के लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही पूड़ी को ऑयल के अंदर डालते हैं किस तरह से पूड़िया हमारी फूल रही है। तो यहाँ पर हमारी पूड़िया भी बनकर तैयार हो गई है, आइए जल्दी से थाली को सर्व करते हैं। तो इस करवा चौथ के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके कुछ इस तरह का खाना तैयार करेंगे जिसमें ना प्याज होगा ना लहसुन होगा, तो सात्विक खाना भी हमारे लिए तैयार हो जाएगा और तरह तरह के डिशेज भी खाने को मिल जाएगी। तो त्योहार है, सारी चीजें बननी चाहिए और मजे भी लेने चाहिए। तो बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।